हमारे पास कुछ कस्टमर्स के ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि क्या आईफोन जो होता है ये वाटर प्रूफ होता है कि नहीं होता है। इस वीडियो में आपके सारे मिसकंसेप्शंस जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। आईफोन जो होता है ये पहली बात वाटर प्रूफ नहीं होता है, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। अब आप बोलोगे वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस में क्या फर्क है। वाटर प्रूफ होता है कि अगर आप इसको पानी में डालोगे इसको कुछ नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि इस लगा गीजरस मज फोन आद कैसे की है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। आईफोन जो होता है ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। आप आईफोन की 11 सीरीज ले लो, एक्स सीरीज ले लो, वो उसकी जो वाटर रेजिस्टेंस होती है वो 3 मीटर तक अगर पानी में जाएगा तो वो वाटर रेजिस्ट कर पाएगा। ऐसी आईफोन 12, 13, 14, 14 प्रो मैक्स सीरीज में होती है, वो 6 मीटर तक वाटर रेजिस्ट कर पाता है। ऐसा नहीं होता है कि आईफोन कोई भी है ये वाटर प्रूफ है, इसको पानी से कुछ नहीं होगा। कोई भी फोन आप आईफोन का पानी में डालो ज्यादा देर तक रहेगा, पूरा पानी में भीग जाएगा तो वो खराब भी हो सकता है, तो इसमें रिस्क होती है। लेकिन आईफोन में आपको ये बोलूंगा आईफोन वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ये किसी हद तक वाटर को रेजिस्ट कर सकते हैं। अब एक दो मेथड्स मार्केट में है जो आज हम देख रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो जैसे ही आते हैं तो वो पहले दुकानदार से एक चीज मांगते हैं, एक तो आईफोन बोलते हैं दिखाओ, और उसके बाद इजेक्टर टूल मांगते हैं। वो इजेक्टर टूल से क्या करते हैं, वो ये सिम स्लॉट जो है बाहर निकालते हैं, एंड उसके बाद ये एक मेथड है ऐसे फूंक देते हैं, फिर यहां यहां से देखते हैं, बोलते हैं अगर इससे किसी भी होल से हवा बाहर आई तो पहली बात ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, कोई भी ये सर्टिफाई नहीं करता ये मेथड कि आप ऐसे आईफोन का वाटर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। ये कोई भी नहीं आपको बोल सकता, ना ही एप्पल वाले बोलेंगे ना कोई और कंपनी बोलेगी। अगर आपको अपना फोन वाटर रेजिस्टेंट देखना है कि नहीं, उसके लिए सिंपल सा मेथड है, ये फोन है ये आपको उठाना है। इस पे मैंने यूट्यूब चलाया, तो ये अभी मेरे हाथ में आईफोन 13 है, आईफोन 13 है अभी चल रहा है आराम से, यूट्यूब चल रहा है। अगर हम इसका वाटर टेस्ट करेंगे, ये चल रहा है, इसको मैं उठाऊंगा और पानी में डाल दूंगा, ये पानी में भी चल रहा है, तो ये एक हद तक वाटर रेजिस्ट कर पाएगा। ये अभी चल रहा है, ये मैंने YouTube बंद किया इसका, अगर मैं फिर से चलाऊंगा ये नॉर्मली चल रहा है, तो ये एक हद तक वाटर रेजिस्ट करेगा। मैं फिर से इसको पानी में डालूंगा, अभी भी ये चल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं वाटर रेजिस्टेंस। लेकिन लोग इसी को बोलते हैं ये वाटर प्रूफ है, लेकिन ये है नहीं, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। ये देखो मैंने फोन वापस इसको पूरा भिगोया, इसमें वापस निकाला, इट्स वर्किंग टोटली फाइन एंड ठीक है। इसका आप देखो टच स्क्रीन भी सारा चल रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ जो सिम इजेक्टर टूल निकाल के फूंक देते हैं फोन में, फिर चेक करते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। देखो ये फोन पानी में मैंने रखा था, टोटली इट्स वर्किंग फाइन, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। लेकिन अब अगर आप अपने कोई 50,000 का आइटम खरीदा उसके बाद इसको नहला ही रहे हो तो आपका 50,000 रुपये ज़ाया हो रहा है। ये जो फीचर होता है ये एप्पल वालों ने फीचर दिया है फॉर एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल डैमेज, अगर कभी हो गया आपका फ़ोन पानी में चला गया तो आपका फ़ोन बच जाएगा। लेकिन अब आप इसको बोलोगे कि नहीं मैं भी नहा रहा हूँ फ़ोन को भी नहाऊंगा, वो प्रॉपर वे नहीं है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड ये नॉलेज अच्छी है आप बांटो आगे भी, तो आईफोन इज टोटली वर्किंग फाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।